हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पहुंचे हैं शीतला माता टेंपल केलवा में। तो केलवा आए और शीतला माता टेंपल में दर्शन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम चल रहे हैं दर्शन करने माता जी का। बहुत खूबसूरत टेंपल है। जब भी आप केलवा के लिए बुक कर रहे हो, केलवा बीच के लिए बुक कर रहे हो, तो केलवा के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे माता जी का टेंपल है, दर्शन तो जरूर करें। और हाँ फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करो। आप देख रहे हैं डेली पे एक आज इसे काफी भीड़ है और हम लाइन में लग चुके हैं माता जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, दर्शन हो चुका है और मंदिर के दूसरे साइड में फ्रंट साइड में हम बुक कर रहे हैं जहाँ पे कुंड बना हुआ है और कुंड की काफी विशेषता है। आइए हम भी देखते हैं क्या है। काफी ब्यूटीफुल सीनरीज है, काफी बेहतरीन नजारे। ये लोग सेल्फी लेना तो भूल ही नहीं रहे हैं। ये कुंड मंदिर के बिल्कुल फ्रंट साइड में है और लोग आ रहे हैं, पानी छू के नमन कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं। ओहो, तो टर्टल जी हाँ, कछुआ महाराज भी दिख रहे हैं कुंड में। और इसके अलावा बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है कुंड में। जब भी इधर अब आओगे कुंड में देख सकते हो इसको, काफी बहुत बड़ा है ये टर्टल। तो कुंड के बाद हम दूसरी तरफ रुक कर रहे हैं और अब चलेंगे हम हनुमान मंदिर। जी हाँ, जस्ट बगल में है माता शीतला टेंपल के और हनुमान टेंपल के दर्शन करेंगे। यहाँ आसपास की सीनरी की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है और भीड़ भी डेली होती है। जब भी लोग केलवा बीच का रुख करते हैं तो माता जी के दर्शन करने के बाद ही केलवा बीच के लिए रुक करते हैं। तो आप जब भी केलवा बीच के लिए प्रस्थान कर रहे हो तो आपको एक सुनहरा चीज़ ये मिलेगा कि आपको माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत टेंपल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। तो अब हम दर्शन कर चुके हैं और बीच के लिए प्रस्थान करेंगे। उससे पहले दोस्त पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।